कैसा हुआ, हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से प्रियंका गुप्ता जो थी उनको हमने निकाल दिया शो से, ठीक है। उनसे सोचो उनके पास कितने लोग थे, श्वेत, प्रियंका, आशिका, हिमांशु, चार लोगों, नंबर्स में ज्यादा, फिर भी उनकी गैंग का मेंबर आउट कर दिया हम लोगों ने। और फिर ये लोग बोलते हैं अच्छा कि तुम मास्टरमाइंड नहीं हो। बताओ भाई भाई, प्लानिंग मतलब प्लानिंग उसके सेम बाद धोनी की अभी ज्यादा देख, थी। अभी चॉइस क्या है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैं अभी मेकर्स को कुछ नहीं बोलूंगा या किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही और बात है, मुझे लगता है मंजिल से ज्यादा ना सफर खूबसूरत होता है, तो मैंने इस सफर का इतना मजा लिया ना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ दिल से। इस जर्नी से मैंने पहले भी बोला है, रोडीज इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इस जर्नी ने बहुत कुछ दिया है यार, इस जर्नी ने बहुत कुछ सिखाया है। इतने उतार चढ़ाव आए हैं, तुझे खुद पता है दिग्विजय, ऋषभ भाई, आप सब लोगों को पता है कि कितने उतार क्रेजी चढ़ाव इस सीन्स गेम भाई, में आए क्रेजी भाई। 100% भाई। दिल से किया यार, जो भी किया, किसी की तरह ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ के पीछे खड़े हुए हैं या फिर फेक कर रहे हैं या फिर चाट रहे हैं, किसी की चाटा नहीं किसी को भी भाई, हक से बोल रहा हूँ आज मुंह पे, किसी की चाटी नहीं जर्नी पे, बस अच्छा ही लगा जो भी किया नहीं हक नहीं अच्छा से किया भाई, जहां तक भी पहुंचे हक से पहुंचे। भाई, देख तेरे को और सचिन एक बात बोलूंगा डायरेक्ट, जैसे वो स्टार्टिंग फर्स्ट वाला जो वोट आउट था उसमें भाई मेरे को जो बात बुरी लगी थी, मैं तेरे को पहले ही बता दो, और वो लोगों ने भी देखी है और मैंने बोला भी है कई बार कि उस टाइम तूने आके बोलता नहीं भाई साथ दूंगा ये दूंगा वो दूंगा, और भाई वोट आउट में जाके तूने एकदम से तू मेरे पीछे गए पड़ गया कि नहीं भाई यही दुश्मन है, तो भाई वो जो फ्लिप हुआ था ना सीन, वो मेरे को भाई बड़ा फुद्दू लगा था देखो ऑनेस्टली, तो मेरे को समझ नहीं आया था कि सचिन ये कर क्या अब रहा है जवाब आज। देना देख पड़ेगा, अब मेरे को मैं भी तेरे को जवाब बताता देना हूँ, अभी सुन इस बात का जवाब भी है, बताया लंबी बताया, लंबी मैं तेरे को जानना याद हो चाहता हूँ। दिग्विजय, ठीक है। हम लोग गए झगड़ नहीं रहे, हम लोग का ये चलते रहेगा, आप लोग एंजॉय करो बस, एक कॉन्वर्सेशन मजा आने वाला है। तो हुआ हाँ क्या रहा, ऋषभ बाबा आपको याद है दिग्विजय हमारे पास आया था, पहले पहले हम लोग के पास आया था कि गाइस एक काम करो तुम लोग वर्ड दो, तो दिग्विजय हम लोग चल ठीक है टेंशन मत ले। तो जैसे हम लोगों ने कैंप से बाहर जाकर दिग्विजय प्रिंस गैंग के पास भी खड़ा हुआ है, तो मैं तो भाई हमारी मैंने गैंग बोला मान बाबा भी ये रही तो थी ना, झोल है, हमारी गैंग मान भी रही मतलब थी ना, तुम्हारे साथ मान रही थी ना, उनके साथ मान रही थी, मेरे को तो बचना था ना उस दिन देख अपने हम लोगों का सर्वाइवल क्या के था लिए। ना दिग्विजय, हम लोगों का क्या था ना, अगर मैंने और ऋषभ ने बोला ना कि गाइस ये है, तो वो लोग उस चीज के लिए रेडी रहते थे, तो तेरा गैंग का जो वो था ना, वो लोग बहुत डेलिब्रेट हो जाते थे, इधर उधर भाग जाते थे सब जगह, तो वो ट्रस्ट वो नहीं तो था था वैसे। सीन,